जय हिंद, आप सभी का स्वागत है। यदि आप भी वर्ष 2023 में बिहार बोर्ड का एग्ज़ाम देने वाले हैं मैट्रिक का, तो आप इस वीडियो को पूरा अंत तक देखें, क्योंकि आपको पता ही है कि हमारा साइंस ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका है, बस फिजिक्स में एक दो चैप्टर बचे हैं। तो ऐसे में प्यारे बच्चों, अब हमें करना चाहिए क्वेश्चन बैंक, और हमें ये पता करना चाहिए कि किस वर्ष में कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं और क्या आपसे बनते हैं। अगर आपके पास क्वेश्चन बैंक है भी तो उसमें बहुत सारे आंसर्स गलत दिए होते हैं, तो इस वीडियो में आप पूरा सही आंसर देखेंगे। 2011, 12 और 13 तीन वर्ष के हम क्वेश्चंस कराएंगे। अगर एक वर्ष का हम कराते हैं तो बहुत छोटा वीडियो बनेगा, उसमें मज़ा नहीं आएगा। तो एक वीडियो में हम लोग तीन वर्ष का देखते हैं। आप इस वीडियो को पूरा अंत तक देखें, हो सके तो दो बार तीन बार देखें, और इसको डाउनलोड करके रख लें, एग्ज़ाम के टाइम में भी देख लें। क्योंकि मैं उम्मीद करता हूँ अगर हमारा 40 क्वेश्चन साइंस में ऑब्जेक्टिव बनाना है तो ये तीन वर्ष से ही आपके एग्ज़ाम में लगभग 5 क्वेश्चन सीधे आएंगे, आप मिला के देख लीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप पहले से ही हमारे साथ जुड़े हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और आप चैनल पर पहली बार तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके रख लीजिए ताकि आपको मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और अंतिम में आप मुझे ज़रूर बताइए कि आपका स्कोर कितना रहा, किस वर्ष में आपने कितना स्कोर कर पाया अपने से, ठीक है ना। चलिए शुरू करते हैं। तो ये रहा आपके सामने वर्ष 2011, और आपको जैसा कि मालूम है पहले जो एग्ज़ाम में 20 क्वेश्चंस ही बनते थे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, 2011-12 की मैं बात करता हूँ, आज से बहुत साल पहले की। तो उसमें कौन कौन से 20 प्रश्न पूछे गए थे, आप उन्हें बढ़िया से देखेंगे अच्छे से। पहला प्रश्न पूछा गया था हीलियम कैसा तत्व है, आपको पता है यह एक अक्रिय तत्व है, ऑप्शन ए आपका सही होगा। अगला प्रश्न आता है कि जल में हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन की परमाणु संख्या का अनुपात क्या है, ये बिल्कुल ओरिजिनल प्रश्न है जो पूछा गया था। तो जल का फॉर्मूला होता है H2O, इसमें 2:1 होता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। टाइम बचत वाला हमारा ये क्लास है। अगला क्वेश्चन है कि आवर्त सारणी में कितने आवर्त होते हैं, तो आवर्त की संख्या 7 और वर्ग की संख्या 18 होती है, सबको ये मालूम होगा। अगला प्रश्न आता है कि सिलिका क्या है, सिलिका बोले तो सिलिकॉन की बात हो रही है, सिलिकॉन क्या है, तो सिलिका या सिलिकॉन एक प्रकार का उपधातु होता है, ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा। अगला प्रश्न हमारे पास सामने आता है कि OH का क्रियाशील मूलक कौन सा है, तो OH क्रियाशील मूलक अल्कोहल का होता है, ऑप्शन नंबर आपका सी सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न आता है हमारे सामने कि प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है, तो प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन बना रहता है प्रकाश संश्लेषण से, ऑप्शन बी सही होगा। अगला प्रश्न आता है कि पौधे में श्वसन क्रिया के अंतर्गत ADP के टूटने से कितनी ऊर्जा मुक्त होती है, तो 30.5 किलो प्रति है ना किलो जूल प्रति मोल होता है, ऑप्शन नंबर ए, और ये परफेक्ट आंसर बिल्कुल सही है, आप इसे याद कर लें। अगला आता है मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं, बहुत बार ये प्रश्न बने हैं, तो 4 कोष्ठ होते हैं, ऑप्शन नंबर डी आपका सही होगा। अगला प्रश्न आता है कि मानव हृदय में औसत प्रकुंचन दाब कितना होता है, तो औसत प्रकुंचन की दाब की अगर बात करते हैं मानव हृदय में, औसत प्रकुंचन दाब 120 mm होता है HG, ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा। ऐसे मानव का ब्लड प्रेशर क्या होता है, आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट प्रश्न हमारे सामने आता है कि पौधों में वाष्पोत्सर्जन किस भाग में होता है, तो पौधों में वाष्पोत्सर्जन की क्रिया जो होती है वो पत्तियों में होती है, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न आता है कि कृत्रिम वृक्क किन अपशिष्ट उत्पादकों को रुधिर से अपोहन द्वारा पृथक करता है, जो हमारा डायलिसिस थैली बनता है उसका काम क्या होता है कि नाइट्रोजन को बाहर करना, नाइट्रोजन को याद कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट आता है कि हाइड्रा में प्रजनन की कौन सी विधि है, हर वर्ष ये प्रश्न लगभग रिपीटेड करते हैं, पहली पाली में दूसरी पाली में किसी में भी आ जाते हैं, हाइड्रा में ये होता है मुकुलन द्वारा, ऑप्शन बी आपका होगा। अगला आता है कि किसी माध्यम का अपवर्तनांक μ = μ होना चाहिए, यहाँ पर μ का मान होता है, तो किसी माध्यम में अपवर्तनांक होता है sin I और / sin R, ऑप्शन बी आपका सही है। अगला आता है दाढ़ी बनाने में दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण उपयुक्त होता है, तो दाढ़ी बनाने में हम अवतल का करते हैं, ऑप्शन सी इज राइट होगा। अगला आता है स्पेक्ट्रम में किस रंग की किरण का झुकाव सबसे अधिक होता है, तो आप देखेंगे स्पेक्ट्रम में सबसे अधिक झुकाव की बात होती है तो हमेशा बैगनी होता है, ऑप्शन सी सही डी सही होगा। अगला आता है कि विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करता है, तो फ्यूज जो होता है ना वो हमारा ऊष्मीय प्रभाव पर कार्य करता है, और फ्यूज जो बना होता है पहले बच्चों उसका गलनांक कम होता है, फ्यूज के तार का गलनांक कम होता है उसमें पूरा देखना, और फ्यूज हमें लघुपतन और अतिभारण के समय हमें सुरक्षा देता है, फ्यूज तार जो होता है वो शीशा और प्लस टीन का बना होता है, ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न आता है किसी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने का फार्मूला कौन सा होता है, तो V = IR होता है, अगर आपको R चाहिए तो V/I याद रखेंगे, है ना, हमने कई बार इस क्वेश्चन को करवाया है ना। क्वेश्चन बैंक पढ़ने से बस यही फायदा है आपको कि आपको पता चल जाता है कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे गए हैं, और आपके बोर्ड एग्जाम में भी लगभग 90% क्वेश्चन बैंक से ही आते हैं, इसलिए मैं क्वेश्चन बैंक को कहता हूँ कि आप इस वीडियो को देखना शुरू कर दिए हैं, और ये मेरा पहली वीडियो है इस वर्ष का क्वेश्चन बैंक का, आप ऑल सब्जेक्ट के ऑल वीडियो को देखना क्वेश्चन बैंक का, आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा।
अगर आपने ऑल सब्जेक्ट के ऑल वीडियो को देख लिया तो आपके ऑब्जेक्टिव में 230 में से मैं गारंटी लेता हूँ 225 प्लस का स्कोर आएगा। पर एक भी वीडियो आप छोड़ना मत, इस सीरीज की हर वीडियो को आप देखना। बस अगर वीडियो नहीं आए तो कमेंट जरूर करना, गुरुजी वीडियो नहीं आ रही है आपकी। कहते हैं तो आर बराबर वी बटा आई होगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन है कि डायनमो से किस प्रकार की धारा निकलती है, तो डायनमो दोनों तरह से हो सकते हैं, दिष्ट है ना, दिष्ट और प्रत्यावर्ति, डायनमो दोनों होता है, एसी डीसी दोनों, तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा। अगला आता है कि डेंगू उत्पन्न करने वाला मच्छर कहाँ होता है, देखो मलेरिया वाला मैला जल में यानी गंदा में होता है मलेरिया उत्पन्न करने वाला, और डेंगू उत्पन्न करने वाला मच्छर किस तरह के जल में होता है, तो यह साफ में होता है। अगला प्रश्न नंबर 20 है, निम्नलिखित में से कौन बायोगैस ईंधन का स्रोत नहीं है, बायोगैस मतलब बायो मतलब जिसमें जीवन हो, लकड़ी बायोगैस है, गोबर गैस गाय से होता है तो उसमें जीव है, कोयला भी हम जब मतलब भूकंप होने पर सब चीज़ें नीचे चली जाती हैं उसके बाद बनता है, तो नाभिक की ऊर्जा होगा, आपका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, इसको होना चाहिए था यहाँ पर। ठीक है, तो आप मुझे कमेंट करके बताना कि वर्ष 2011 में जितने भी प्रश्न पूछे गए थे उसमें से आपका स्कोर कितना रहा, इन 20 प्रश्नों में से आपने पूरा फिजिक्स पूरा केमिस्ट्री पूरा बायोलॉजी पढ़ लिया है, आपने कितना स्कोर किया। हम उम्मीद करते हैं अगर आप एक दिशा उनका के स्टूडेंट हैं, आप डेली क्लास करते हैं, तो आपके 20 में से 20 उत्तर सही होंगे। आइए हम शुरू करते हैं वर्ष 2012 और देखते हैं 12 में कौन कौन से प्रश्न पूछे गए हैं। 2012 शुरू होता है, पहला क्वेश्चन आता है कि पायरुवेट के विखंडन से कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड जल तथा ऊर्जा देता है, यह क्रिया किस में होती है, तो यह क्रिया होती है माइटोकॉन्ड्रिया में, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जाता है, तो पहले बच्चों मिट्टी का प्रयोग नहीं होता है, ऑप्शन डी। मैं आपको बहुत फास्ट बता रहा हूँ ताकि आपका समय बचे, आपका समय बर्बाद ना हो, परंतु आपको क्या है कि आप जैसे देखना पसंद करते हैं, अगर आप स्पीड देखना पसंद करते हैं तो ठीक है, नहीं तो आप इसको धीरे धीरे भी करके देख सकते हैं थोड़ा सा स्पीड कम करके। आता है कि किसी बिंब का वास्तविक प्रतिबिंब समान आकार का प्राप्त करने हेतु बिंब को उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखना चाहिए, तो अगर आपको वास्तविक प्रतिबिंब चाहिए तो आपको रखना पड़ेगा कहाँ पर, पता है ना, वक्रता केंद्र पर, एक ही है, सी पर रखने से ही आपको वास्तविक मिल सकता है। अगला आता है समान दृष्टि से वयस्क के लिए सुस्पष्ट दर्शन की अल्पतम यानी न्यूनतम दूरी कितनी होती है, तो न्यूनतम दूरी होती है पता है आपको 25 सेंटीमीटर है ना, कितना प्यारा क्वेश्चन पूछा गया। देखिए अगला क्वेश्चन है कि लोहे की परमाणु संख्या कितनी होती है, सबको मालूम है, तो आप मुझे इस वीडियो का इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। नेक्स्ट आता है कि किसी विलयन का ना किसी विलयन लाल लिटमस को नीला करता है यानी यह क्षार है, इसका पीएच वैल्यू क्या होगा, तो वो 7 से अधिक होगा, पूछा गया है कि इसका पीएच वैल्यू क्या होगा, 7 से अधिक यानी कि 10 होगा। अगला प्रश्न आता है कि आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या कितनी होती है, मैंने भी बोला था वर्गों की संख्या टोटल 18 होती हैं। नेक्स्ट प्रश्न आता है हमारा सी एच ओ अभिक्रियाशील मूलक को क्या कहते हैं, तो सी एच ओ जो होता है ना ये सी एच ओ ये होता है एल्डिहाइड, ऑप्शन नंबर आपका ए सही होगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा पद विद्युत परिपथ में शक्ति को निरूपित नहीं करता है, हमने शक्ति का आपको तीन फार्मूला पढ़ाया है इसमें कौन सा नहीं है, पी बराबर पहला फार्मूला होता है वी आई, पी बराबर वी स्क्वायर बाय आर होता है, पी बराबर आई स्क्वायर आर होता है, ये सारा फार्मूला है, लेकिन पूछेगा कौन सा निरूपित नहीं करता है, तो आप इसको याद कर लेना कि आर पर अगर स्क्वायर है तो वो वाला आंसर नहीं होगा, ऑप्शन बी आई आर स्क्वायर, ऐसा कोई फार्मूला नहीं होता है। अगला प्रश्न आपके सामने है कि विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को हम क्या कहते हैं, फिजिक्स का लास्ट चैप्टर जब हम पढ़ाएंगे आपको उसमें आपको बताएंगे 5वां चैप्टर में कि विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को हम जनित्र कहते हैं, ऑप्शन ए सही होगा। अगला आता है हमारा कि लघु पतन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान होता है तो बहुत अधिक बढ़ जाता है, ऑप्शन नंबर आपका सी होगा। अगला निम्नलिखित में से कौन जैव मात्रा ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं है, यानी जैव मतलब जिसमें जीवन ना हो, अभी हमने पहले 2011 में भी ये क्वेश्चन आया था और 2012 में भी ये क्वेश्चन पूछा गया, इन्हें से ये पता चलता है कि क्वेश्चन रिपीट होता है। कहते हैं कोई तत्व ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके उच्च गलनांक वाला यौगिक बनाता है, यह यौगिक जल में विलय है और यह तत्व कौन सा है, पहले बच्चों कैल्शियम के बारे में सुना होगा, जिससे इसमें ओ आता है तो ये कैल्शियम ऑक्साइड हो जाता है और ये बिना बुझा हुआ चूना है, ये मतलब ठोस रूप में हो जाता है जब हम इसे किसी दीवार में लगाते हैं, ठीक है ना, तो ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा कैल्शियम। अगला क्वेश्चन हमारा कि एथेन का आणविक सूत्र C2H6 है तो इसमें कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं, एथेन अगर आप देखेंगे तो C2 दो हो गए, H6 है 1, 2, 3, 4, 5 और 6, आप इसमें बंधन गिन सकते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, तो टोटल इसमें होते हैं आबंध की संख्या 7, ऑप्शन बी सही होगा।
अगला क्वेश्चन है कि ओजोन के अणु में ऑक्सीजन की परमाणु संख्या कितनी होती है। ओजोन अगर आप देखेंगे उसका फार्मूला 3 होता है, एक अणु में 3 होते हैं परमाणु, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न आता है कि मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है। वृक्क का मतलब होता है किडनी, और मनुष्य में किडनी क्या करता है आप सबको पता है, बहुत बार मैंने पढ़ा है, उत्सर्जन से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास कि दो तंत्रिका कोशिकाओं के मध्य खाली स्थान को हम क्या कहते हैं। तो जो दो दो तंत्रिका कोशिका होता है जिसे हमारा मस्तिष्क बना है, इसके बीच में जो स्थान होता है उसे हम सिनेप्स कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला आता है पराग कोश में होते हैं, सबसे अधिक बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, पराग कोश में क्या होते हैं, पराग कोश में पराग कण होते हैं, ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। अगला प्रश्न आता है कि विकास से दृष्टिकोण से हमारी सबसे अधिक किससे समानता है। तो विकास से दृष्टिकोण से हमारी समानता है, क्लास में हम बताते हैं, चिंपैंजी से है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन किस में होता है। मुकुलन द्वारा प्यारे बच्चों अलैंगिक जनन होता है इष्ट में, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। आप हमें बताएं वर्ष 2012 का स्कोर आपका क्या रहा। 2012 में यही क्वेश्चन पूछे गए हैं, ये ओरिजिनल क्वेश्चन है, आप मुझे ज़रूर बताएं। चलिए आप सभी लोग इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अगर आप मुझे प्रीमियर में देख रहे हैं तो भी इस वीडियो को अच्छे से लाइक करें, अगर आप इस वीडियो को रिकॉर्डेड बाद में देख रहे हैं तो लाइक ज़रूर करें। चैनल पर अगर आप पहली बार आएँ तो नीचे एक लाल बटन का यहाँ पर सब्सक्राइब लिखा होगा, जिसको दबाने के बाद आपको मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेंगी, तो आप ज़रूर इसे दबा लें। अब लास्ट वर्ष बचा है 2013, आप सोचिए कितना समय बचता है ऐसे पढ़ने में। 2013 की बात करते हैं, पहला क्वेश्चन 2013 में यही पूछा गया था कि संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या है। तो पहले बच्चों संगमरमर का रासायनिक सूत्र होता है CaCO3, ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने आता है COOH अभिक्रियाशील मूलक को हम क्या कहते हैं। तो COOH अभिक्रियाशील मूलक को हम ईथर अम्ल कहते हैं, कार्बोक्सिलिक अम्ल, ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला प्रश्न आता है प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन कहाँ से निकलता है, बहुत बार ये प्रश्न पूछा गया है। तो ऑक्सीजन बच्चों और सब बुक में क्या होता है ना, बहुत सारे गलत आंसर होते हैं, पर यहाँ आपको जो आंसर मिलेंगे उसकी पूरी उम्मीद है कि लगभग 100% आंसर सही होंगे। तो ये जल से निकलता है, ऑप्शन ए। अगला आता है मैग्नीशियम पाया जाता है, तो मैग्नीशियम यानी Mg की बात हो रही है, मैग्नीशियम कहाँ पर होता है, तो मैग्नीशियम होता है क्लोरोफिल में, ऑप्शन नंबर ए। अगला आता है हमारा कि इंसुलिन की कमी के कारण होने वाला रोग कौन सा है। तो इंसुलिन की कमी से एक रोग होता है जिसका नाम मधुमेह है, डायबिटीज। अगला क्वेश्चन आता है कि दृश्य प्रकाश में किस रंग का तरंग दर्द सबसे अधिक होता है। सबसे अधिक तरंग दर्द की बात होती है तो लाल सबसे अधिक होता है, ऑप्शन नंबर ए, लाल का सबसे अधिक तरंग दर्द होता है। अगला आता है विद्युत शक्ति का ऐसा यूनिट क्या होता है। बच्चों शक्ति यानी पी का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, शक्ति का ऐसा ही मात्रक वाट होता है। वोल्ट किसका होता है आप बताएं मुझे, विभव या विभवान्तर का। जूल होता है ऊर्जा का, और कूलम्ब होता है आवेश का, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन आपके सामने आता है कि विद्युत बल्ब का तंतु बना होता है। विद्युत बल्ब में अगर आप देखेंगे तो उसका तंतु किसका बना होता है, मैंने कुछ दिन पहले पढ़ाया था, विद्युत बल्ब का जो तंतु होता है वो टंगस्टन का बना होता है, ऑप्शन नंबर सी होगा। विद्युत बल्ब पर प्यारे बच्चों कौन सी गैस भरी जाती है, तो आंसर लिखना निष्क्रिय गैस। अगला क्वेश्चन आता है कि नाभिक की ऊर्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक क्या होता है। तो याद रखेंगे यूरेनियम नाभिक की ऊर्जा प्राप्त करने के लिए आवश्यक होता है। अब यहाँ से 11 प्रश्न बचे हैं, तो आप प्रयास करें कि सभी प्रश्न हमारा सही हो। प्रश्न है ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस कौन सा है, तो राइट आंसर होगा हमारा कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट प्रश्न आता है कि है ना लिटमस विलियन बैगनी रंजक होता है जो निम्नलिखित में से किससे निकलता है। तो लिटमस विलियन जो होता है ना वो लाइकन के पत्ते से निकलता है, तो ऑप्शन ए सही होगा। अगला आता है कि सोडियम क्या लिखा है, जब सोडियम हाइड्रोक्साइड जिंक से अभिक्रिया करता है तो उसमें कौन सा उत्पाद बनता है। तो प्यारे बच्चों जब ऐसा होता है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड जिंक से अभिक्रिया करता है तो वो हमारा बनाता है सोडियम, ऑप्शन नंबर आप देखेंगे बी नंबर, सोडियम है ना जिंक है ना जिंक ऑक्साइड प्लस में हाइड्रोजन गैस, ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न नंबर आता है कि किसी भी उदासी विलयन का पीएच मान क्या होता है। तो उदासीन अगर विलयन है तो उसकी पीएच वैल्यू पूरी की पूरी 7 होगी, जैसे जल। अगला आता है बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है, बहुत VBI क्वेश्चन है, MVBI प्रश्न है। बेकिंग सोडा का होता है NaHCO3, ऑप्शन नंबर आपका ए सही होगा। नेक्स्ट आता है कि एक्वा रेंजिया के मिश्रण में HCl और HNO3 का अनुपात क्या होगा, ये बड़ा फेमस क्वेश्चन है। तो बच्चों इसका रेशियो होता है 3 में रहता है HCl और 1 में रहता है HNO3, तो 3:1 इसका रेशियो होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ से 5 प्रश्न बचे हैं, आप पूरा अच्छे से जवाब देंगे। क्वेश्चन है कि द्विखंडन किसमें होता है, तो द्विखंडन की बात करते हैं तो अमीबा पैरामिशियम लेसमानिया। देखो इसमें होता है खाना
इसमें सब में द्विखंडन नहीं होता है, अयुवा में होता है द्विखंडन, यहाँ पर आपको बहुखंडन देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न आता है कि फूल में नर अंग कौन सा है, तो फूल का नर भाग जो है वो हमारा क्या कहलाता है, तो नर भाग कहलाता है पुंकेसर, ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा कि अंडाणु निषेचित कहाँ होते हैं, तो अंडाणु निषेचित होते हैं फलोपियन नालिका में, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है हमारा कि अवतल लेंस का आवर्धन यानी एम का मान क्या होता है, तो अवतल लेंस का आवर्धन यानी एम इज इक्वल टू होता है वी अपॉन यू। कैसे होता है, क्यों होता है, आप इस पर फोकस ना करें, बस आप इसको देख लीजिए। कहते हैं कि गोले दर्पण में फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच क्या संबंध है, तो पहले बच्चों यहाँ पर आप देखेंगे रिलेशन क्या होता है, तो आर बराबर होता है टू एफ, टू एफ या एफ बराबर होता है आर बटे टू, ठीक है ना। तो आर बराबर टू एफ कहीं पर देखने को नहीं मिल रहा है, लेकिन एफ बराबर आर बाय टू है ऑप्शन नंबर सी में, ठीक है ना। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको वर्ष 2011, 12 और 13 कंप्लीट हो गया होगा। आप इस वीडियो को डाउनलोड कर लीजिए या फिर लाइक करके रख लीजिए, आपको बहुत काम आएगा 2012, 13 में, ठीक है ना। नेक्स्ट हमारा वीडियो आएगा 2014 के ऊपर, अगर दो पाली में एग्जाम हुआ था तो ए और बी दोनों होगा, फिर 2015 तक हम देखेंगे। बहुत जल्दी करके हम इसको साइंस का जितने भी पार्ट हैं ऑब्जेक्टिव के सारे क्लियर कर देंगे, फिर हम सब्जेक्टिव पर भी वीडियोस बनाएंगे। और आप चाहते हैं कि इसका पीडीएफ आपको मिले, तो इसके लिए आपको एक सिंपल सा क्या करना है कि हमारे पेड व्हाट्सएप क्लास में ज्वाइन हो जाना है, जिसका फीस मात्र 251 रुपये है। अभी आपको डेली के डेली जो भी क्लासेस होती हैं सारा नोट्स पीडीएफ मिल जाता है। बाकी आपको जनवरी में, 2 जनवरी से आपको इसमें प्राइवेट क्लास भी देखने को मिलेंगे, एक क्लास जो 30 दिनों के लिए होगा। मेरे बच्चों आप सभी लोग यहाँ पर जो लोग भी नए हैं वो लोग हमारे नंबर को नोट करें, 7700879453। इस पर आप मुझे गूगल पे, फ़ोनपे या पेटीएम के द्वारा फ़ी जमा करा सकते हैं। आप इस पर कॉल करके हमारी टीम से बात कर सकते हैं, उनसे पूछ सकते हैं कि हमें पेड व्हाट्सएप क्लास में क्या क्या मिलेगा, कैसे मिलेगा, ठीक है ना। तो जहीन जी आप लोग बताइएगा 2011, 12 और 2013 में आपका स्कोर क्या रहा, और क्या हमें ऐसी क्लासेस लेती रहनी चाहिए, क्या आपको इससे फ़ायदा होता है, क्या अधिक रिविज़न हो पाता है इसमें, ठीक है ना। जहीन जी आप लोग शेयर ज़रूर कीजिएगा, लाइक करके अपने सभी दोस्तों को शेयर कीजिएगा, ताकि हमें भी मोटिवेट मिले, और आप लोग ऐसा करते हैं मुझे पूरा भरोसा है। धन्यवाद जी आप सभी का। नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्दी आएगी, लेकिन आपको क्वेश्चन बैंक की हर वीडियो को देखनी है, हर वीडियो को, एक भी वीडियो नहीं छोड़नी है।